सर्कुलर मोशन में पैरामीटर तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था। आज में देख लीजिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन विच इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टू एट द सेंटर एंड हैविंग द वैल्यू आइदर एम वी स्क्वायर बाई आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। कैसे निकलेगा? अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन ले लीजिए तो सिर्फ एक फोर्स रहेगा उस पर जो सेंटर की तरफ होगा। अगर पार्टिकल को इनिशियली हमने देखा इज लाइंग एट अ दिस लाइन, दिस इज वेक्टर वी वन, और थोड़ी देर में ये यहां पहुंचने वाला है यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई वेक्टर वी टू। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स द कॉमन, दोनों सेम है। तो ये पहले जहां था और अभी जहां है वो ज्वाइन करेंगे आप तो दिस इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। उस वेक्टर v2 को उठा के वेक्टर v1 के पास लाइए इन सच अ वे कि वेक्टर v1 और वेक्टर v2 एक कॉमन पॉइंट से हो जाए। वेक्टर v2, अगर आप वेक्टर v2 को ट्रेस करें तो ये देखिए दिस, ये आपके पास है एज अ वेक्टर v2, ये वेक्टर v1 है, ये वेक्टर v2 है। हेड टू हेड के बीच का ये जो गैप है दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। इसी वेलोसिटी वेक्टर पर एक्सीलरेशन वेक्टर है टुवर्ड सेंटर और इसी पर फोर्स है टुवर्ड द सेंटर, और ये वो फोर्स है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को मॉडिफाई करने वाला है। आप देख सकते हैं कि अगर इसको डैश डैश करके थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये एक्चुअली में टेंजेंट था और ये रेडियस था, तो ये 90 हुआ तो ये 90 हो गया, अगर ये 90 है तो ये 90 हो गया। थीटा 90 माइनस थीटा देन दिस बिकम्स द थीटा, ये थीटा आ गया। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का मतलब ये है कि पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन थीटा डिग्री से चेंज कर ली। अगर मैं कहता 30 डिग्री इज द एंगुलर रोटेशन तो मतलब होता पार्टिकल ने 30 डिग्री से अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रखी है। अगर मैं कहता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 60 डिग्री तो मतलब होता पार्टिकल ने वेलोसिटी के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है।
अगर मैं कहता 90 डिग्री तो इसका मतलब होता है कि पार्टिकल ने 90 डिग्री से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, यानी जितने अमाउंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उतने ही अमाउंट से वेलासिटी वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। अब आइए डेरिवेशन में, डेरिवेशन में अगर आएंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, इस एरो की मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि अगर इस एरो की मैग्नीट्यूड निकल जाती तो यही वो फोर्स है या एक्सीलरेशन है जो रिस्पांसिबल है पार्टिकल को टर्न दिलाने के लिए। आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आप ये ग्रीन वाला देख सकते हैं, दस आप ऐसे कह सकते थे कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर चलना शुरू किया तो टी वन पर वो यहाँ था और टी टू पर वो यहाँ पहुंच गया, चेंज इन टाइम जो हुआ वो डेल्टी का हुआ, उतने देर में ये जो लीनियर डिस्टेंस कवर किया है ओवर द आर्क ये डेल एस हो जाएगा, और उतने देर में उसने जो एंगल सबटेंड किया है ओवर द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक वो थीटा हो जाएगा। तो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस आप लगा सकते हैं, आर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑन विच द पार्टिकल इज मेंटेन, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क है डेल एस अपान रेडियस, रेडियस है दस, ये आपको मिल गया थीटा इज इक्वल टू डेल एस बाई आर। अगर आप ये ब्लू वाला ट्रायंगल कंसीडर करें, ये दस ये ट्रायंगल, तो इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर प्रॉब्लम। ये वेक्टर वी वन है, मैग्नीट्यूड है वी, ये वेक्टर वी टू है, मैग्नीट्यूड है वी, और ये आपके पास है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड है डेल वी, और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यहां भी तो लग जाएगा एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो एंगल है थीटा, आर्क है डेल वी, एंड रेडियस पर है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वी। ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेट होने चाहिए क्योंकि दोनों वैल्यू में तो सेम होने चाहिए थे ना, तो डेल एस बाई आर एंड डेल V by V इक्वेट करा दीजिए। ऐसा डेल्टी टाइम में हुआ है, मीन्स डेल्टी टाइम में जब वो डेलस आर्कियल लेंस कवर कर रहा है तो डेल V इज द चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा करने में उसे डेल्टी टाइम लगा। लेट अस डिवाइड द इक्वेशन बाय डेल T, सो ये आपके पास हो जाएगा डेल S by डेल T, वन अपान R है, और ये हो जाएगा डेल V by डेल T, वन अपान V है। डेल एस बाई डेल टी वेलासिटी एंड डेल वी बाई डेल टी एक्सीलरेशन, और ये वो एक्सीलरेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलासिटी। तो ये ए टी नहीं ए आर है या ए सी है, ए आर का मतलब रेडियल या ए सी का मतलब सेंट्रिपिटल यानी सेंटर की तरफ। वी को इधर फेंक दीजिए, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, ये है सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। A is equal to V square by R. अगर इसमें M मल्टीप्लाई कर लेते M into AC is equal to, ये हो जाता MV square by R, और mass into acceleration dimensionally force होता है, और ये force towards center है, तो centripetal force हुआ is MV square by R. Derive हो गया? Means, अगर हम M mass के हैं, V velocity से R radius के टर्न पर मेंटेन होना चाहते हैं तो हमें एक फोर्स की जरूरत है, दैट फोर्स इज द mv स्क्वायर बाय r। अगर ये आया तो हम वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे, और अगर ये नहीं आया तो हमें वेलोसिटी की चेंज या वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज नहीं मिलेगा, और हम स्ट्रेट लाइन ट्रैक पर सीधे चलते हुए सर्कुलर ट्रैक से बाहर फेंका जाएंगे। एंगुलर पैरामीटर में अगर लिखा है तो आप यहाँ इस एक्सीलरेशन वाले में v की जगह आप r ओमेगा रख सकते हैं, तो कैसा दिखता, ये आपको सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन दिखता r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा r, अगर r और r कैंसिल करें तो हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन का दो फार्मूला है, किसी पॉइंट पर हाथ रखेंगे तो उस पॉइंट की वेलोसिटी v के साथ रिलेशन है v स्क्वायर बाई r, अगर सर्कुलेशन वेलोसिटी ओमेगा दी होगी तो सेंट्रिपिटल निकालेंगे r ओमेगा स्क्वायर, मास मल्टीप्लाई करके बोलेंगे तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, मास मल्टीप्लाई करेंगे तो mv स्क्वायर बाई r हो जाएगा,
ये फोर्स ये भी सेंट्रिपेटल है, मास मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है सेंट्रिपेटल फोर्स की वैल्यू है एम वी स्क्वायर बाई आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये रिस्पांसिबल है वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, और ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, सेंटर की तरफ लगता है, ये कभी भी वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी नहीं चेंज करता, और इसका वर्क डन भी जीरो होता है। तो देख लीजिए कहां वर्क डन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट सर्कमफेरेंस पर है टेंजेंट, और फोर्स रेडियल है 90 डिग्री, हो गया ना, तो वर्क डन कितना हो गया, सर्कुलर मोशन का फोर्स कभी वर्क नहीं कराता। क्लियर है क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो इनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियल ट्रैक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बीच में कॉस नहीं आएगा, वेक्टर में था ना आपके पास कि 90 डिग्री का अगर थीटा डिग्री का अगर एंगल है तो वर्क कैन बी रिटन एज f(x)cos θ। तो कहते हैं कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो वर्क नहीं कराता, वो वेलोसिटी वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कराता, दिस इज बिकॉज वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट ऑन द टेंजेंट हम काउंट करेंगे, सर्कमफेरेंस मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट, और फोर्स जो है हमेशा रेडियल होता है, टेंजेंट और रेडियल 90 होते हैं, इसीलिए वर्क डन जीरो होता है। डेली लाइफ में ये सेंट्रिपिटल आता कहाँ से है, हम ये नहीं कह रहे कि दिस इज अ न्यू फोर्स एंड डेवलपिंग ऑन यू, हम ये कह रहे हैं कि इतना फोर्स ड्यूरिंग टेकिंग द टर्न बॉडी पर होना चाहिए, अगर है तो वो बॉडी टर्न लेने में सक्सेस होगी, और अगर नहीं है तो वो टर्न नहीं ले सकती, वो सीधी मूव करती हुई बाहर निकल जाएगी। आप एग्जांपल ले लीजिए, सबसे पहला एग्जांपल है बैंकिंग ओवर द सॉरी हाँ आप ऐसे कह सकते हैं, दूसरा ले लीजिए उसको लास्ट में रखते हैं, उसमें और भी चीजें बतानी पड़ेगी। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस बार बार घूम रहा है थे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे सर की बना रहा है, उसके ऊपर कहां सेंट्रिपिटल है, आप जरा सोचिए, तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पर वन्नी का चार्ज, जेड आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस जेड ई हो जाएगा, क्यों ई फॉर अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑफ वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, मिनिमम चार्ज असाइंड ऑन द चार्ज पार्टिकल आर रिटन एज वन्नी हैविंग द वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतने का चार्ज होता है, ये चार्ज क्या है, क्यों है, कैसे है, ये तो क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। चार्ज असाइन किया गया है ना टू द माइन्यूट पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल टू मेक द मैटेरियल, द माइन्यूट पार्टिकल्स टू विच अवर मैटर आर मैटेरियल्स आर फॉर्म आर द चार्ज पार्टिकल, नॉट द मास पार्टिकल अलोन, पूरे यूनिवर्स को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको दो फीचर दिए गए हैं, पोसेसिंग सम मास पोसेसिंग सम चार्ज, तब जाके आप एटम और न्यूक्लियाई उन एलिमेंट्स के फॉर्म होने, उनके डिफॉर्म होने, उनकी एसोसिएट एनर्जी, उनकी स्टेबिलिटी, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारी प्रॉपर्टी आप देख पाते हैं। क्यों, केमिकल बॉन्डिंग के लिए क्या वैलेंसी नहीं चेक करते हैं आप, क्यों, दो इलेक्ट्रॉन मिसिंग प्लस टू ई, दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर माइनस टू ई, टू एच प्लस, दो इलेक्ट्रॉन मिस और SO4 डबल माइनस, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके पास, 2H प्लस और SO4 डबल माइनस, अपना बॉन्डिंग होगा, मतलब चार्जेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल बॉन्डिंग, सो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, दीज चार्जेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एंड दीज एटम्स एंड न्यूक्लियाई आर यूज्ड टू मेक द मटेरियल। तो यहाँ हमारे पास ये न्यूक्लियस है, किसी भी एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को पकड़िए, एक इलेक्ट्रॉन इस ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, इसमें हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन दो पार्टिकल्स में जो हल्का होता है वो मूव करता है, इनर्शिया डिसाइड करती है विच हैव टू मूव फर्स्ट, एक भारी आदमी एक हल्का आदमी दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं, जो भारी आदमी है वही रह जाएगा, हल्का वाला सुलभ से गिर जाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन, हैवी था रिएक्शन बर्दाश्त कर ले गया, अभी कैसे भूल गए, तो दिस मीन्स दैट यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करिए, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ये न्यूक्लियस, तो क्वेश्चन आता है ना गिर क्यों नहीं जाता, गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे जा रहा था ना, कहाँ मिलेगा, यहाँ ना, भाग रहा है ऐसे, कहाँ मिलेगा, यहाँ ना, क्यों, ज्वाइनिंग लाइन
टू द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस पर एक अट्रैक्टिंग फोर्स जो खींच के उसको ला रहा है। इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ रहा तब तक खींचा के यहाँ चला रहा है, फिर ये न्यूक्लियस इनको खींच के ला रहा है, फिर ये भाग रहा है ऐसे तब तक ये न्यूक्लियस खींच के ला रहा है। लोकस ऑफ द पॉइंट आप चेक करें तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन हैज अ कांस्टेंट सेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। बात समझ आ रही है आपको, तो एक सर्किल दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन सर्किल पर है नहीं, उसकी गारंटी क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागा न्यूक्लियस खींच के ले आया यहाँ, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागा न्यूक्लियस खींच के ले आया यहाँ, इलेक्ट्रॉन टेंजेंशियल ट्रैक ऐसे भागा इलेक्ट्रॉन खींच कर लाया है। क्लियर है क्या है, ये ज्वाइनिंग लाइन पर अट्रैक्टेड है, ये बिल्कुल वैसे है एक गाय की रस्सी पकड़े हुए है, ताने हुए हैं और भाग रही है, आंख बंद करके भाग रही है, सटी बना रही है, छोटी उसे रसैया गिर गई, ठीक है, तो वो गोल गोल कब तक गोल गोल हो रही है, जब तक आप रस्सी ताने हुए हैं, क्योंकि टेंशन इंप्लीमेंटेड बाई यू ओवर द रोप टूवर्ड यू, that is force on the guy is toward you, that is the tension, और वो provide अगर necessary tension provide करा तो गोल गोल घूमेगी, और अगर रस्सी टूट गई या रस्सी काट दी गई तो लोग कहेंगे गए वहां गिर गए, ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग इन द न्यूक्लियस, वो लगातार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर रहा है, लेकिन एवरेज सेपरेशन मेंटेन है, हर बार जब हम उसकी सेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस जोड़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ना ये तो एक कॉन्स्टेंट सेपरेशन पर मेंटेन है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये यहाँ आ गया न्यूक्लियस खींच के इनको यहाँ ले आया, ये टेंजेंशियल यहाँ जाने वाले थे, हाई न्यूक्लियस को खींच के यहाँ लाया, हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर ट्रैक पर चलता हुआ दिखा। इलेक्ट्रॉन को मिलने वाले सेंट्रिपेटल की न्यूमेरिकल वैल्यू है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आर है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें मेंटेन है, कौन दे रहा है ये एम वी स्क्वायर बाई आर है, ये वैल्यू है खाली, कौन दे रहा है, कूलम्बियन इंटरैक्शन कहते हैं इसको, चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और मास के बीच फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और मैग्नेट के बीच फोर्स को मैग्नेटिक कहते हैं, और हम लोग के बीच फोर्स को दादागिरी का क्षेत्र कहते हैं, कहते लाना बेटा मुझे बताएंगे, ठीक है, मीन अपना फोर्स। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की तरफ एक अट्रैक्शन है, कितना, 1/4πε0 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, जब कूलम्ब्स का पढ़ेंगे तो ये आपको बताया जाएगा, जैसे 9-10 में आ चुका होगा चार्जेस की जितना फोर्स होता है, और ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को न्यूमेरिकली ये नेसेसरी सेंटीमीटर दे रहा है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अगर आर रेडियस के सर्किल पर मेंटेन है तो एम वी स्क्वायर बाई आर चाहिए, कौन दे रहा है कूलम्ब, अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, कौन सा फोर्स है जो टुवर्ड सेंटर है एंड अर्थ को सर्किल पे मेंटेन किए हुए है, ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द अर्थ एंड सन, इन स्पाइट ऑफ न्यूक्लियस आप बना लीजिए सन, यही होता है ना सन, अरे ठीक है भाई थोड़ा सा तो अंतर है, अब हो गया सून, तो अगर ये सुन है तो आप इसके अराउंड सुन है, आप तो सन है तो फिर लिखिए शतक का, अच्छा ये सूरज है, ठीक किए बता दिए, चलिए ये सन है और अर्थ अगर यहां है देख तो अर्थ ऐसे ऑर्बिट कर रही है ना, अर्थ की ऑर्बिटिंग स्पीड निकल जाएगी हाँ या ना, अगर हाँ तो कैसे और ना तो अच्छी बात है बच गया, 365 दिन का चक्कर मारती है क्यों, साल भर को 365 डेज कहते हैं ना, और अपनी एक्सिस पर कितने दिन में घूमती है 24 आवर में, वो डे एंड नाइट होता है ना, अगर हैंग हो जाए तो इससे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, डे में हैंग हुआ होगा तो डे 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 रह जाएगा,
मतलब वो भाई ओरिएंटेशन ही नहीं चेंज कर रही, हमेशा फेसिंग टू द सन रहेगी, तो फेसिंग टू द सन रहेगी तो नहीं रहेगा, टेंशन होगी यू नो क्यों, क्योंकि सोने नींद आएगी बट डे रहेगा, लोग कहेंगे डे है फेमस हो गया ठीक है, और अगर नाइट हैंग हुई होगी तो वल्ले वल्ले बोलेंगे जाओ जब सुबह होगी तब आना ठीक है। तो स्पिन की मैंने बात नहीं की, मैंने बात की कि सन के अराउंड अगर ऑर्बिटिंग कर रही है अर्थ, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी सन की वो कितनी होगी, गौर फरमाइए, आपने एंगुलर पैरामीटर निकाला हुआ है, और तो अगर चक्कर मारते हुए, अच्छा सबसे पहले तो सेंट्रीपेटल की बात कर लीजिए, अगर अर्थ का मास है m और जिस वेलोसिटी से ये सन के राउंड ऑर्बिट कर रही है वो है v, और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है r, तो अर्थ को चाहिए mv स्क्वायर बाई r अमाउंट का सेंट्रीपेटल चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिला तो ये स्पेस में खो जाएगी ठीक है। अब अगर हम देखें कि अर्थ को इतने अमाउंट का फोर्स कौन दे रहा है, तो आप देखेंगे मास ऑफ अर्थ इज अट्रैक्टेड बाय द मास ऑफ सन, और अगर मास ऑफ सन इज द एमएस, तो अर्थ के मास और सन के मास के बीच जो ग्रेविटेशनल पुल है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से लिखा जा सकता है, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, अगर सन का अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल बंद हो जाए तो अर्थ चल देगी ठीक है, और हम लोग ओवर द अर्थ है, अगर सन से दूर हटी तो हम लोग का जो प्राइमरी फूड चेन है प्लांट वो चेन से हट जाएगा, और वो हट जाएगा तो हम लोग को भी हटना पड़ेगा, कहाँ लाइट से क्यों, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है ना, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है ना, और जब सन ही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस चीज हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस अगर चीज हो गया तो फूड चेन गड़बड़ा जाएगी ना, इसके लिए भविष्य में मनुष्य प्रजाति ने तैयारी कर रखी है, क्या रिसर्च करने से ये पता चला है कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, जो रिस्पांसिबल होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस, उसको ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो पाया गया ये एग्जैक्टली काम कर रहा है, तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस आपकी बॉडी में शुरू हो जाएगा, प्लांट पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक चीज की दिक्कत होगी, ना कोई गोरा होगा ना काला, सब होंगे हरियर हरियर हल्क द सुपर हीरो द वन ऑफ द सुपर हीरो, सबसे बड़ी दिक्कत गोरखपुर वालों को होने वाली है, बड़ी गाय और सांप, अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, ये पता चला बचिया रहे चल गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम न गोरे रहेंगे न काले रहेंगे, भविष्य में जब ऐसी दिक्कत होगी कि और सब सन से दूर जा रही होगी, डिफरेंट स्टार्स हैं ऐसे रेडिएशन देने के लिए, इवन दो चाइना ने तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि वो गोरा कलर नहीं मिटाना चाहता, गोरे गोरे होते हैं काले काले होते हैं ठीक है, एक स्पेशल काइंड है, तो ये उसने अपना एक आर्टिफिशियल सन बनाया हुआ है ठीक है, उसने 2018 लास्ट ईयर में उसको कम सेकंड से ट्रांसप्लांट करके देखा वाज सक्सेसफुल, तो उसने अपना आर्टिफिशियल सन बना लिया, इंडिया ने भी बनाया हुआ है, नाम है आदित्य, आदित्य सिनोनिम्स है ना सन का, छह आदित्य है इंडिया के पास, कौन नहीं काम कर रहा है आदित्य वन छठी जनरेशन तक का सन हम लोग बना चुके हैं, अलग बात है कि ये नहीं जा पा रहा है, और पूरे फॉरेन ने मिल करके एक बनाया हुआ है, एक जो इस यूरोप वाले फ्रांस इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी जापान इनका एक सन है, क्योंकि कई कंट्री मिलकर बना रहे हैं तो चांस सक्सेस का चांस ज्यादा है ना, 2015 में ऑन होने वाला था अभी 2019 है ठीक है, इसका नाम है चोकामाक, टोकमैक, दिस इज द जापानीज न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें फ्यूजन रिएक्शन होंगे, पता है फ्यूजन क्या,
लाइट न्यूक्लियाई की ज्वाइनिंग कराएंगे। इस प्रोसेस में जो सन का भी तो यही कहा जाता है ना, सन में भी तो कार्बन कार्बन साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन साइकिल, यानी लाइट न्यूक्लियाई या पार्टिकल्स का डिफ्यूजन होता है। इस प्रोसेस में मास डिफेक्ट होता है, क्लास 12 में पढ़ेंगे। उस मास डिफेक्ट की जो हीट रिलीज होती है वो आपको एज अ थर्मल रेडिएशन मिलती है, ठीक है। भूमि जहांगीर भाभा इंडियन साइंटिस्ट थे, ये उनका सपना था, टोक मार्क। उनको अमेरिका ने बुलाया, आइए हमारे यहाँ लेक्चर दीजिए, गए बेचारे लेक्चर दे मार दिए सब, ठीक है। उसकी वजह से इंडिया बहुत पीछे हो गया, क्योंकि 1974 में जब हम लोग का बर्थ नहीं था, हमारा बर्थ नहीं था, उस टाइम में जो है उन्होंने फ्यूजन, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि भविष्य में हमें सन की दिक्कत होने वाली है, और वो सभी से काम कर रहे थे। यानी 1974 में वो इमिनेंट साइंटिस्ट थे, तो वो और पहले के रहे होंगे, और 1974 तक ही उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर जनरेटर एंड फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, इन सबका कॉन्सेप्ट इंडिया को दिया और लेबोरेटिकली सबको डेवलप कर दिया था। अमेरिका ये जान रहा था, या रशिया या इंग्लैंड या जर्मनी या फ्रांस, कि अगर ये जिंदा रह गया तो ये, उन्होंने कहा था कि मैं फ्री कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। मतलब जिस, पता है आप बिजली कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं? आप पानी को हाई हाइट पे रोकते हैं डैम, उसका उसको गिरने देते हैं आप नीचे डैम पे। जब वो पानी गिरता है तो MGH है उसके पास, और जब वो गिरता है तो नीचे क्वायल्स लगी, हाँ टर्बाइन, नीचे ऐसे क्वायल्स लगी हुई है, मीन्स ये आर्मेचर क्वायल कहते हैं, ऐसे ओवर द बियरिंग, जब इस पर पानी टकराता है तो ये ऐसे घूमने लगती है, ठीक है। डायनमो और आर्मेचर क्वायल रोटेटिंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। इसके रोटेट करने से पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कट होता है, और फ्लक्स कट करने से EMF और EMF से करंट बनती है। ये सिर्फ 2% कितना पानी हिमालय से आपको मिल जाएगा, और आप ही को हिमालय पानी यूज कर रहे हैं हाई हाइट पर, तो सारा पानी तो जमीन पर मिलेगा ना। अब चढ़ाए कैसे, पंप चला चढ़ा दें हिमालय को, पंप पर चलाए किसी से बिजली से ना, बनेगा कैसे? तो बिजली बनाने का मेन प्रोजेक्ट डैम नहीं है, बात समझ आ रही है? डैम पर से तो हम उसी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हाइट पर है। सारा पानी तो नीचे आ गया, अब क्या करें? अब उस पानी को हम बड़े बड़े बॉयलरों में गर्म करते हैं, जैसे घर में खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर है, 5 लोगों का परिवार, 6 लोगों का होगा, 7 लोगों का होगा, तब बड़ा कुकर है, पूरे भारत भर के लिए बिजली बनानी है, जो कि प्रेशर कुकर की इतना बड़ा बड़ा होगा, समझ आ रहा है ना? बॉयलर कहते हैं उसको, प्रेशर कुकर नहीं कहते, बॉयलर उबालने वाला, ठीक है। बड़े बड़े बॉयलर है इस पूरे बिल्डिंग जितने बड़े बड़े, अभी तो लास्ट ईयर ही एक वो हुआ था, ब्लास्ट हुआ था बॉयलर एक, कितने लोग मरे थे, NTPC का था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बिजली बनाने वाली संस्था है, उसका बॉयलर ब्लास्ट हो गया था। जैसे कुकर की तो इतने दिन से है, कभी उसने कुकर उड़ा, एक आध बार या दो बार पेपर में निकला होगा, मतलब एक चांस है खाली, अदरवाइज बड़ा सेफ होता है, तो उड़ा तो बहुत लोग मरे, लेकिन तो जो मेन इंजीनियर था उसमें सर्वे पर था, वो भी उड़ गया था, ठीक है। तो कहने मतलब जो कभी फील्ड में नहीं जाता था वो सर्वे पर था कि सिक्योरिटी और उसका क्या, उसकी भी बॉयलर हो गया, ठीक है। बॉयलर हो गया तो कम से कम लोगों को इतना समझ में आया कि आज चीफ इंजीनियर मरा है, और हजारों लेबर जो अगल बगल पानी डाल रहे हैं, जो प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो ऑन सर्वे पर है, उनका क्या होता होगा, ये तो चीफ इंजीनियर थे। चलिए अब आ गया जमीन पर पानी, अब इस पानी को कोयला लगा लगा के खौलाते हैं, वेपर बनती है, वेपर, ठीक है। खोलते खोलते पानी वेपर बनेगा, उस वेपर को पतले पतले पाइप में दौड़ाते हैं, और जब जैसे प्रेशर कुकर में वो नोजल होता है जिसपे व्हिसिंग लगी होती है, और देखते हैं जब एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर होता है तो रिलीज करता है ना, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है। वो पतली पतली पाइप आके इसी आर्मेचर कॉइल के ऊपर ऐसे फोकस है, और ये आर्मेचर कॉइल बेयरिंग पर है, जब एक लिमिट से ज्यादा वेपर प्रेशर होता है तो फट से रिलीज होता है, और रिलीज होते मारेगा धार उसके ऊपर, फट से घूम जाएगी ऐसे, तो इतने ज्यादा नोजल लगे हुए हैं कि बारी बारी से सब इसके ऊपर प्रेशर रिलीज करते रहते हैं, तो ये घर 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 घर, इसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। इसमें कोयला जला रहा है, सोचिए ना, एक घर का खाना बनाना हो तो कितना कोयला लगेगा, और उस कोयले की आग मेंटेन रखने के लिए फुगनी आती है,
ओपनिंग समझते हैं ना, एक पाइप होता है जिससे फूंकते हैं ताकि ऑक्सीजन मिले कोयले को और जले। तो इतने बड़े बड़े बॉयलरों के नीचे कोयला जला रहे हैं, तो सोचिए कितना दम लगता होगा, कितनी एनर्जी लगती होगी, वहाँ बड़ी माता जी होंगी। इतने लोग बिजली पका रही है, तो घर वाली माता जी तो छोटी माता जी होंगी, क्योंकि 5 लोग 6 लोग 7 लोगों का खाना पका रहे हैं, और यहाँ पूरा बड़े बड़े बॉयलरों में तो ये सब ऑटोमेटिक है। कोयला पूरा ट्रक का ट्रक कोयला एक बार में झोंक दिया जाता है, तो सोचिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक लगातार कोयला ढो रहा है, लगातार वहाँ हजारों आदमी मेंटेन है जो कोयला ढोकने में लगे हुए हैं, ठीक है, हजारों आदमी मेंटेन है जो वो उसका प्रेशर मेंटेन करने में लगे हुए हैं कि जो वो बॉयलर का प्रेशर वो मेंटेन रहे, कहीं ऐसा ना हो कि स्टोर कर रहे तरीके, नहीं तो खोलता पानी और एक लिमिट से ज्यादा स्टोर होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, तो गर्म पानी से सब नहा लेंगे, कुछ होगा नहीं, सबको कपड़ा सबके तैयार होगा, ठीक है। और स्टीम अगर वो लीक हो गया तो सोचिए ना पूरे पावर प्लांट का खाना, पूरे पावर प्लांट में स्टीम स्टीम, ठीक है। और कहते हैं ना भाप से जलना ज्यादा दुखदायी होता है इन कंपेरिजन टू हॉट वाटर पर, पता है, गर्म पानी में उंगली पड़ जाए जल गया कष्ट, और रोटी में पहुंचा जाए उंगली गर्म गर्म जो फुल्की बन के आई हो में कष्ट, इसमें कष्ट ज्यादा होता है, और गर्म गर्म रोटी हम जो भक्सी पहुंचा जाता है तो वह ज्यादा पियाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप वेपर से चलते हैं तो 100 डिग्री के वेपर के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, वो 100 डिग्री के साथ प्लस ML हीट एक्स्ट्रा स्टोर किया है अपने वेपर स्टेट को मेंटेन रखने के लिए, गैसियस फेस को मेंटेन रखने के लिए, और जब वो आपकी ठंडी ठंडी नरम नरम पिंक कर पाता है तो पटाख से वो पहले 100 डिग्री वेपर से 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होता है, जो 540 कैलोरी हीट फूंक देता है आपके फिंगर को, जल गई, और उसके बाद वो 100 डिग्री के पानी में बना और जला दिया, तो पहले 540 कैलोरी से जला दिया और उसके बाद आओ तो 100 डिग्री का पानी बनाया और अब और जला रहा है उसको, तो ऑब्वियसली दर्द करेगा, और गर्म पानी होता तो खाली बस ठंडा होने के लिए उसने आपके फिंगर से हीट ली, इस दौरान आपको जितना जितना जलना था उतना जले, वेपर पहले लिक्विड में बदलने के लिए हीट दे देगा फिंगर को, पहले ही जल गई और उसके बाद वो गर्म पानी में कन्वर्ट हुआ, और अब गर्म पानी ठंडा होना चाहता है, कहाँ ठंडा हुआ मुझे जला चुका है, पहले अभी करके बाहर निकाले हुए फिंगर, तो दिस मीन दैट कि जो पावर प्लांट है उसमें मिलियन बिलियन जिलियन टन कोयला पर सेकेंड खर्च हो रहा है, महंगी हुई बिजली की सस्ती हुई, पता नहीं कितने आदमी ट्रक चला रहे हैं, पता नहीं कितने आदमी खदान में लाद रहे हैं कोयला, और पता नहीं कितने आदमी मिलकर झोंक रहे हैं, अभी समझ में आ रहा है क्यों बिजली इतनी महंगी है, लगे हुए हैं आदमी लगे हुए हैं इसमें काम करने के लिए। अब सोचिए भूमि जहांगीर भाभा ने कैलकुलेट करके बताया, ये जो शार्प एज है, ये टेस्टर है फिलहाल, शार्प एज जो है इसके शार्प एज पर 10^6 एटम है, 10^6 एटम का मतलब समझ रहे हैं 1 मिलियन एटम, एक एटम तोड़ेंगे, एक एटम 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब हमको नहीं समझ में आ रहा है आपको कि 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है, चलिए हम आपको बताते हैं 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी होती है, आपकी स्कूटी को 14 साल तक बिना रोके चलाने के लिए जितना पेट्रोल चाहिए सोच लीजिए, 14 साल तक लगातार रुकना नहीं है, जितना पेट्रोल चाहिए 2 MeV उतनी एनर्जी है, हमने 200 MeV की बात की, एक एटम तोड़ेंगे 200 MeV के अराउंड एनर्जी फ्री होगा, हमने कहा 2 MeV एनर्जी मिल जाए तो 14 साल तक स्कूटी चलाएंगे, 200 MeV मिल जाए तो 1400 साल तक स्कूटी चलेगी, घर 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 घर। अब ये कैसे मिला, एटम को तोड़ कर मिला, एक एटम की, मैंने एक एटम की बात की, अभी ऑल ऑफ द 10^6 एटम की बात नहीं की, अब समझा ना हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब ये सब क्या है, इनमें एटम्स का या न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होता है, तोड़ते हैं, इस प्रोसेस में मास डिफेक्ट होता है, एटम का मास डिफेक्ट होता है, अब बदले